अब स्वामी जी जरा हम शुरुआत करते हैं विषय को लेना कि 40 का जो पारा है वो बहुत जल्द 45 को भी छुएगा, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगेगी। अब स्वामी जी, जब हीट स्ट्रोक लगता है तो वॉमिटिंग, चक्कर, थकान, कमजोरी या डायरिया का शिकार होकर लोग पहुंचते हैं। तो वैसे स्वामी जी कहते हैं कि हीट स्ट्रोक तेज धूप से ज्यादा मेहनत की वजह से आ सकता है। अगर ज्यादा धूप में जाकर आप काम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी होने लगती है शरीर के अंदर। लेकिन जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें तो बैठे बैठे भी कई बार हीट स्ट्रोक हो जाता है। उनमें भी बच्चे, बुजुर्ग और शुगर पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं स्वामी जी। तो अब स्वामी जी, जो लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं लेकिन पानी पी रहे हैं फिर भी उनके ऊपर खतरा है, और जो बैठे बैठे कम पानी पीने की वजह से भी हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, इनके लिए क्या अलग अलग कोई उपाय होंगे या एक ही उपाय होंगे जो आप बताएंगे? अब ये देखो, ही स्ट्रोक आप इतना बोल दिए हो जी। मैं पूरे देश में 25 लाख किलोमीटर, पूरी दुनिया में कुल मिलाकर के लगभग 30-35 लाख किलोमीटर घूमा हूँ, एक बार भी हीट स्ट्रोक नहीं हुआ है। 50 डिग्री टेम्परेचर पर रहा जलदेसर में, ऐसे ही दुबई से लेकर के अबू धाबी से लेकर के, और -5 डिग्री पर चाइना बॉर्डर पर, और इधर लेह लद्दाख में जहाँ आप भी गए थे जी, और फिर पूरे देश दुनिया में अलग अलग प्रकार के मौसम और उस सब के बीच में रहता हूँ। तो योग करने वाले को कोई ये हीट स्ट्रोक नहीं होता, ना कोई कोल्ड स्ट्रोक होता है। तो देखो, सर्दी गर्मी सबसे बच जाएंगे। एक तो 2 से 2.5 लीटर पानी अवश्य पीना, ये मेरा नियम है। 2 से 2.5 लीटर लिक्विड, दही, छाछ, जूस, फल किसी न किसी रूप में, और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो 3 से 3.5। कल भी अच्छी गर्मी थी, आज तो सुबह सुबह से ही ऐसे लू सी चल रही है हरिद्वार में भी, यहाँ भी। तो मैंने कल जो है करीब 1.5 लीटर तो मैंने संतरे का जूस पिया, जूस सना थी, फिर नींबू पानी पिया, 4 नींबू निचोड़े और 1 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके पी गए। एक बार में नहीं पीना चाहिए, और फर्स्ट क्लास मैंने देखा भाई ये तो ज़रूरी है। कल मैं भी पानी नहीं पीता तो सुबह सुबह इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव नहीं मिलता। कहते रहे कहाँ गए बाबा जी, तो बोले हीट स्ट्रोक हो गया। तो मैंने अभी अपना 55 पार आकर के भी हीट स्ट्रोक नहीं होने दिया, क्योंकि मैं वाटर लेवल मेंटेन करता हूँ। चलो वृक्षासन करो रे, एक पैर पर खड़े होकर दिखाओ। हाँ, अब इनके पैर तो दिखते नहीं, इसमें तो पूरी इसमें घोटाला कर सकते हो। तो जिनको ज़्यादा ही गर्मी लगती हो तो वृक्षासन करें, गरुड़ासन करें, और इसी में ही बहुत सारे आसन हो जाते हैं। और मैं तो रजवाहों में देखता हूँ, नदी के किनारों पर देखता हूँ, भीड़ लगी पड़ी रहती है, समुद्र के किनारों पर भी। तो जो है हीट स्ट्रोक नहीं होगा, 2.5 से 3 लीटर लिक्विड बॉडी में किसी न किसी रूप में जाना चाहिए। दूसरी बात, खरबूजा, तरबूजा, वाटरमेलन, जितने भी पानी वाले फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, उनका सेवन ज़्यादा करना। मैंने जिंदगी भर इस नियम को निभाया है। अब ये कठिन आसन कर रहा है हमारा बालक, क्या नाम बेटा? बालकृष्ण। एक हमारे पास में बड़े बालकृष्ण हैं, अब ये छोटे बालकृष्ण और आ गए हमारे पास में। ये जोरदार काम है, ये तो द्विपाद ग्रीवासन और गर्भासन कर रहा है। इतना ना हो तो भाई अपना खींच खाँच के गुजारा कर लेना, इतने से ही गुजारा कर लेना। एक ही एक एक पैर ही ऐसे रख लेना सिर के ऊपर, उसी से का काम हो जाएगा। तो ये हो जाए तो अच्छी बात है। और देखो, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अब मैं छोटे छोटे घरेलू उपाय बताता हूँ। बेल का शरबत पियो। देखो ये बेल है, ये बेल, हाँ, अब ये बेल जो है अब पानी में डालते, पता नहीं तैरेगी, अरे ये तो तैर ही रही है। हाँ, तो बेल का भी बढ़िया स्नान हो गया और ठंडी हो जाएगी, फिर इसका हम शरबत बना के पियेंगे बिना मीठे के। लोग बेल में भी मीठा डाल देते, चीनी ठोकते हैं बावड़े कहीं के। बेल का शरबत पिए, नींबू का पानी पिए, नारियल का पानी पिए, और फिर ये भी लुढ़का के देखते हैं, अरे राम राम राम, ये तो नीचे ही चला गया, आ गया रे वापस। ये तरबूजा खाएं, खरबूजा खाएं, ये और पानी भी भिगो के खाएं, आम भी पानी भी भिगो के खाना चाहिए। ये खरबूजा, ये तरबूजा, ये तो सबकी मित्रता हो गई, सारे ऊपर ही ऊपर तैर। तो देखो
ऐसे ये जो तैर रहे हैं तराई देते हैं शरीर को। हाँ, खरबूजा तरबूजा ऐसे इनको पानी में डाल दें, फ्रिज में डाल करके लोग रखते हैं, आम को खरबूजे को तरबूजे को ऐसे। हाँ, फिर ये अनानास, ये भी बड़ा अच्छा है, अनानास का जूस पिए, गाजर का जूस पिए और अनार सुबह सुबह खाएं। कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं होगी, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बता रहे थे ना उल्टी दस्त हो जाते हैं जी स्वामी जी। जो खाएगा अनार वो नहीं होगा कभी बीमार। ये तो सबको पता है, ये अनार खाएं, अनार जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर जौ का सत्तू, फिर चने का सत्तू, फिर जौ के आटे की रोटी, और ये जौ का दलिया तो बहुत ही जबरदस्त होता है। और हीट का स्ट्रोक का मतलब ही नहीं, शीशम बेल पीपल ये वीटग्रास और एलोवेरा, ये तो परम औषधि है। किसकी? एलोवेरा वीटग्रास शीशम पीपल बेल, स्ट्रोक होगा ही नहीं, इतना जबरदस्त मामला है। और फिर रोज, अब देखो हम तो भयंकर गर्मी में भी ऐसे 100 बार कम से कम ये भुजंग आसन करते हैं, ऐसे ये ऐसे। हाँ, और तैरो भाई, तो तैरना भी बहुत अच्छा व्यायाम है। हाँ, जो तैरेगा वही तरेगा, जो नहीं तरेगा वो मरेगा फिर। स्वामी जी, तो पानी की कमी की हम बात कर रहे हैं। एक बार सुबह सुबह पसीना जरूर बहाते जी।